हेलो गाइस, वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल। मैं राकेश कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे केबल टीवी ऑपरेटर्स के बारे में, साथ ही दोस्तों बात करूंगा आईपीटीवी के बारे में, और साथ ही दोस्तों बात करने वाला हूं केबल टीवी में ऑपरेटर्स को अगर सर्वाइव करना है इस इंडस्ट्री में तो उनके लिए एक और गुड न्यूज आ चुकी है जो कि आज की वीडियो में आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। सो बने रहिए इस वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही दोस्तों बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, वो भी सबसे पहले। जैसे कि दोस्तों बता दूं, एक अपडेट आ रही है जिसमें मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि एक और इंडिपेंडेंट एमएसओ है जो कि अब उन्होंने अपना आईपीटीवी में भी बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, जिससे कहीं ना कहीं केबल ऑपरेटर के साथ साथ इस इंडस्ट्री में अपने पैर को जमाए रखने में काफ़ी ज़्यादा योगदान होने वाला है। बिकॉज कल मैंने एक आपको बताया था, फास्टवे जो कि ग्लोबल कंपनी है, उन्होंने भी आईपीटीवी की सारी ऑलमोस्ट लॉन्चिंग कर रखा है। उसके साथ साथ दोस्तों इंडिपेंडेंट एमएसओ जब लॉन्चिंग करती है ना तो उसका एक अलग ही वजूद होता है। बिकॉज आप सभी को पता ही है, केबल टीवी इंडस्ट्री को चलाने या केबल टीवी की जो ग्रोथ है जस्ट बिकॉज ऑफ केबल ऑपरेटर्स। अगर ऑपरेटर्स नहीं होते तो इस इंडस्ट्री को चला पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था। आप सभी के लगातार कंप्लेंट्स आते रहते हैं कि हमारे कनेक्शन कम हो रहे हैं, इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगा, क्या होगा, नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। मैं हमेशा ही आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करता आया हूँ कि अगर आप एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट रहोगे तो प्रॉब्लम आएगी। अगर आप मल्टी चीज़ें प्रोवाइड करोगे अपने ग्राहकों के लिए, एज ए केबल ऑपरेटर, एज ए ब्रॉडबैंड ऑपरेटर, एज ए आईपीटीवी ऑपरेटर, एज ए ओटीटी ऑपरेटर, तो इस ग्राउंड से आपको कोई भी उखाड़ के नहीं फेंक सकता है। जब जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को भी अपग्रेड करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अभी तक बड़े बड़े कंपनी ही आईपीटीवी के सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, लेकिन यहाँ पे एक बीसीएन केबल है जो कि भुसावल में है, और उन्होंने भी अपनी कंपनी की तरफ से अपडेट आया था जिसपे बताया गया है कि बीसीएन जो कंपनी है उन्होंने अपना खुद का आईपीटीवी सर्विसेज शुरू कर दिया है। उसकी ओपनिंग भी 15 अगस्त को करा दिया गया है, और इनके जो सर्विसेज हैं महाराष्ट्र के खानदेश में पड़ने वाले जलगांव और भुसावल में हैं, मध्य प्रदेश में बुरहानपुर में भी चालू किया गया है इनकी सर्विसेज। बेसिकली भुसावल जलगांव साइड में ये कंपनीज है। तो बेसिकली कहने का मतलब मेरा ये है कि कहीं की भी कंपनी हो, बट अगर आप चाहते हो मार्केट में लॉन्ग रन करना है एज ए केबल ऑपरेटर, तो आपको केबल टीवी के साथ साथ आईपीटीवी का भी सॉल्यूशन, ब्रॉडबैंड का भी सॉल्यूशन, ओटीटी का भी सॉल्यूशन, कुल मिला के कहें तो ट्रिपल प्ले की सॉल्यूशन अगर आप लेकर चलते हो तो इस ग्राउंड से आपको कोई भी उखाड़ नहीं सकता। क्योंकि आज के डेट में आप सभी को पता ही है कि जितना ज़्यादा केबल टीवी इंपॉर्टेंट है उतने ही ज़्यादा आज के डेट में इंटरनेट भी इंपॉर्टेंट हो गया है। विदाउट इंटरनेट कोई भी वर्क हो नहीं सकता है। अगर आप केबल टीवी पे ही डिपेंडेंसी रखते हैं तो थोड़ा आपको बिजनेस में नुकसान होने की गुंजाइश है। बिकॉज अगर किसी को इंटरनेट केबल सभी चीज़ें चाहिए और वो चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप ग्राउंड में लॉन्ग रन चलना है तो आप ट्रिपल प्ले पर फोकस कीजिए। आपके पास केबल टीवी की भी सॉल्यूशन होनी चाहिए, आपके पास ब्रॉडबैंड की भी सॉल्यूशन होनी चाहिए, आपके पास ओटीटी आईपीटीवी की भी सॉल्यूशन होनी चाहिए। इन शॉर्ट, अगर आपके एरिया में किसी को कुछ भी चीज़ें चाहिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास जाए और वो सारे सर्विसेज आपके थ्रू से मिले, जिससे आपकी जो पकड़ है ग्राउंड पे हमेशा बरकरार रहेगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बीसीएन कंपनी, उन्होंने अपना खुद का आईपीटीवी शुरू किया है। और इसी तरीके से हमें हमेशा, मैं कहता हूँ, छोटे कंपनी जो होते हैं या नए कंपनी होते हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। बिकॉज बड़े प्लेयर्स हमेशा मोनोपोली करते हैं। जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं जब उनके ग्राउंड ख़त्म हो जाएगा छोटों का तो बड़े वाले हमेशा मोनोपोली करते हैं। इसलिए छोटे कंपनियों को भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग करना चाहिए, और ताकि ग्राउंड में एक ट्रांसपेरेंसी बना रहे जिसके बिहाफ पे आपको अच्छे सर्विसेज मिल सके। तो ये अपडेट आ रही थी दोस्तों, और इसमें इनॉग्रेशन वगैरह हो गया है, बहुत सारे दिग्गज लोग अवेलेबल थे उस इनॉग्रेशन में। अंसार अहमद जी थे, पाटिल साहब थे, इम्तियाज़ जी थे, बहुत सारे डिग्नेटरीज पर्सन अवेलेबल थे। मैंने जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है यूट्यूब के थ्रू ही, तो उसके बिहाफ पे मैंने बता रहा हूँ। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन जो भी इस इनॉग्रेशन में पार्ट लिए, और जितने भी केबल टीवी ऑपरेटर हैं उनको भी मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि ऐसे कंपनियाँ अगर दो कदम आगे बढ़ती है तो आपको भी सपोर्ट करना चाहिए, ताकि जब तक मार्केट में कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा तब तक आपको फ़ायदा नहीं हो सकता। अगर सिर्फ बड़े कंपनियां ही आगे बढ़ेंगे, छोटे कंपनियां अगर ख़त्म हो जाएगी तो मोनोपोली होगा और बिजनेस अपने आप ख़त्म हो जाएगा।
तो वंस अगेन आई एम सेइंग कांग्रेचुलेशन टू बीशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज. थैंक्स लॉट. बाय बाय. टेक केयर गाइज. थैंक यू एवरीवन.